हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये ब्यूटीफुल सा नीटिंग पैटर्न बनाना सीखेंगे जो कि बहुत ही इजी है। केवल 4 रो का ये रिपीट पैटर्न है, यानी कि 4 सिलाई में ये डिज़ाइन बनता है। और डिज़ाइन को बनाने के लिए फंदे भी हमने 4-4 करके ही लेने हैं और लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। इस डिज़ाइन को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो, यानी कि इस डिज़ाइन का आप जेंट्स स्वेटर बना सकती हो, लेडीज स्वेटर बना सकती हो, बेबी प्रोजेक्ट में, गर्ल्स प्रोजेक्ट में, ऑल प्रोजेक्ट पे आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, तो चलो फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इस पे मैंने 19 फंदे डाले हैं, 16 फंदे मैंने डिज़ाइन के लिए लिए हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं। आपने भी इसी तरह से फंदे लेने हैं, 4-4 करके, और लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा डालने हैं। ठीक है, पहली सिलाई लगाएंगे हम सीधी तरफ से। पहले अपना बॉर्डर बना लेंगे, बॉर्डर बनाने के बाद पहली सिलाई सीधी तरफ से बनाएंगे। तो रो 1 राइट साइड ध्यान से देखिएगा, केवल 4 सिलाई का ही डिज़ाइन है, चारों सिलाइयां ध्यान से देखिएगा। तो पहला फंदा इस स्टिच है, इसे स्लिप करेंगे, इस तरह से सीधा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ ले लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट हो गया है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 4-4 फंदों का ये डिज़ाइन है। एक फंदा ये हो गया और आगे के जो ये 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों में से पहले फंदे को तो हम इस तरह से सीधा जैसे बुनते हैं वैसे स्लिप करेंगे। इसके बाद आगे के 2 फंदे हैं, इन्हें हमने इस तरह से पलट के लेना है। तो देखिए, अब ये 3 फंदे बिना बुने हमने इस तरह से स्लिप करे हैं। अब इन 3 फंदों पे सिलाई डालेंगे और इन 3 फंदों के 3 फंदे बनाएंगे पीछे की तरफ से बुनते हुए, यानी कि बैक लूप से बुनते हुए हमने 3 फंदों के 3 फंदे बनाने हैं। ध्यान ये रखना है, हमने 3 फंदे हमने यहाँ पर लूज़ बनाने हैं। एक फंदा बुना हमने, दूसरा सिलाई पे धागा घुमा के बनाना है और तीसरा फंदा वापस इन्हीं 3 फंदों में सिलाई डाल के बनानी है ऐसे। तो देखिए, यहाँ पे एक उल्टा और 3 फंदों का ये डिज़ाइन, यानी कि टोटल ये 4 फंदों का डिज़ाइन है। इसी को ही हमने रिपीट करते हुए जाना है। एक उल्टा बनाएंगे और 3 फंदों के 3 फंदे बनाएंगे। एक उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे कर देंगे, पहले फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे, इसके बाद 2 फंदों को भी इसी तरह से एक साथ लेंगे, स्लिप करेंगे और दो ये और इसके साथ वाले जो 3 फंदे हमने स्लिप करे हैं, 3 फंदों पे सिलाई डालेंगे और इन्हें बैक लूप से 3 का 3 बनाएंगे, 1, 2 और 3। फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बनाना है, धागा पीछे कर देना है, फंदा इस तरह से स्लिप करना है, 2 फंदों पे सिलाई इस तरह से डाल के स्लिप करना है, फिर इन 3 फंदों पे सिलाई डालेंगे और बैक लूप से 3 का 3 बनाएंगे, 1, 2 और 3, 3 फंदों के 3 फंदे। फिर से देखिएगा, धागा अपनी तरफ लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, पहला फंदा सीधा इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे भी इस तरह से 2 फंदों पे सिलाई डाल के इस तरह से स्लिप करेंगे और 3 फंदों पे सिलाई डालेंगे। तीन फंदों के 3 फंदे बनाएंगे, 1, 2 और 3। तो इस तरह से करते करते लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, एक फंदा उल्टा बनाना है और स्टिच सीधा बनाना है। तो पहली सिलाई हमारी यहाँ पे इस तरह से ओवर हो जाएगी। 4-4 फंदों का ये डिज़ाइन है। अब देखिए, दूसरी सिलाई बनाएंगे हम उल्टी तरफ से। पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे कर देना है, अब एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। अब हमने पूरी सिलाई इसी तरह से बनानी है, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो सेकेंड रो हमने बैक साइड से पूरी इसी तरह से बनानी है, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। यहाँ पे यह हमारी दूसरी सिलाई ओवर हो गई। ठीक है, अब देखिए तीसरी सिलाई बनाएंगे हम सीधी तरफ से। तीसरी सिलाई भी आप ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा स्टिच से स्लिप करेंगे, इसके बाद धागा आगे कर देना है, अब हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे।
इसके बाद अब डिज़ाइन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ रो में, थर्ड रो में आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे एक दो तीन चार, चार फंदे पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमने यहाँ पे तीन फंदों के तीन फंदे बनाने हैं। देखिए एक फंदा ये सीधा वाला यहाँ से और एक सीधा वाला यहाँ से और बीच में उल्टा। तो देखिए सीधे फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे, इसके बाद ये उल्टा फंदा और ये सीधा, इन दोनों को हमने इस तरह से स्लिप करना है। अब इन तीनों फंदों पर सिलाई डाल के तीन फंदों के तीन फंदे बनाने, एक फंदा ये, एक ये, दो, वापस तीन फंदों पे सिलाई डाल के तीसरा फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर से देखिए एक फंदा उल्टा बनाएंगे बिल्कुल फर्स्ट रो जैसे अब हमने बनाना है, एक फंदा स्लिप करना है फिर दो फंदे स्लिप करना है। स्लिप हमने इस तरह से सिलाई डाल के करना है तीनों फंदों को, तीनों फंदों पर सिलाई डालेंगे और बैक लूप से तीन फंदों पर तीन फंदे बनाएंगे इस तरह से। फिर से देखिए धागा अपनी तरफ कर लेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे फिर दो फंदे स्लिप करेंगे। अब इन तीनों फंदों पर सिलाई डाल के तीन फंदों के तीन फंदे यहाँ पे बनाने हैं, एक दो और तीन। ऐसा करते करते लास्ट में हमारे यहाँ पे चार फंदे बचेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे एक दो तीन चार, इस साइड चार फंदे बचे थे, वैसे ही इस साइड एक दो तीन चार, चार फंदों में से उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे और एस स्टिच को सीधा बुनेंगे। तो थर्ड रो हमने यहाँ पे इस तरह से बनानी है। फोर्थ रो आएगी हमारी बैक साइड से, पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे कर देंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा और एक उल्टा। तो फोर्थ रो हमने पूरी इसी तरह से बनानी है, उल्टी तरफ से हमने हर बार ऐसे ही बनाना है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। बैक साइड से हर बार हम ऐसे ही बनाएंगे, केवल सीधी तरफ से हमने डिज़ाइन डालते समय थोड़ा ध्यान रखना है। ये यहाँ पे चौथी सिलाई पूरी हो गई है और ये डिज़ाइन सीधी तरफ से हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए फिर से हमने यहाँ पे फर्स्ट रो लगानी है, जो पहली सिलाई हमने यहाँ पे लगाई है वो यहाँ पे लगाएंगे। जैसे जैसे हम इसे ज़्यादा बुनेंगे वैसे वैसे ये डिज़ाइन हमारा अच्छे से दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे आप इसे ज़्यादा बुनते जाओगे वैसे वैसे ये डिज़ाइन हमारा देखिए इस तरह से उभर के आएगा, बहुत ही उभर के आने वाला ये डिज़ाइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।